नमस्कार, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के वायरल अश्लील वीडियो चैट मामले में दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं आज हिंदू मुस्लिम एकता मंच के बैनर तले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के इस्तीफे की मांग को लेकर DC को ज्ञापन सौंपा। संगठन के लोगों ने भारतीय जनतंत्र मोर्चा के नेता संजीव आचार्य के नेतृत्व में शनिवार को एक पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा मानगो के गांधी मैदान से साक्षी DC ऑफिस तक निकाली। इस पदयात्रा के जरिए मांग की गई कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस्तीफा दे। ये वीडियो सच है कि झूठ है तो जिला प्रशासन की जाँच की बात है, लेकिन नैतिकता के आधार पर बन्ना गुप्ता जी को, स्वास्थ्य मंत्री को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि एक महिला का उसमें जिस तरह से वीडियो आया है कहीं तरह से शोभनीय नहीं है। जमशेदपुर की नाम खराब हुआ है, झारखंड का नाम खराब हुआ है, पूरे देश झारखंड पे टकटकी निगाह से देख रहा है, आम जनमानस। आज हम लोग चाहते हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जनता आपको जिताया है, जनता के वोट से आप जीते हैं, आप कृपा करके इस्तीफा दें और साधारण जो आम व्यक्ति आम नागरिक की तरह जाँच करवाए, क्योंकि आप जिस पद पर बैठे हुए हैं अनुसंधानकर्ता को आप दिग्भ्रमित करिएगा, क्योंकि 6 दिन गुजर गया। इस्तीफा देना चाहिए, एक औरत का इज्जत का खंडन किए हैं, उनको इस्तीफा देना होगा। तो उनका कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, जब फंसाया जा रहा है तो इस्तीफा दें। अगर वो सही रहेंगे तो फिर हम लोग चुन के लाएंगे, क्योंकि यहीं से वो चुन के जाते हैं। कि जब रघुवर सियाराम के ऊपर जब आरोप लगा है, राम जी के ऊपर आरोप लगा था, तब उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ा था। तो भैया जी, आप श्री राम से बड़े नहीं है, आपको भी सिंहासन छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप कार्रवाई कराइए।